तो हाय गाइस, वेलकम इन टीटीआईटी चैनल। हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोग इंसर्ट कर सकते हो हेडर को, फुटर को और पेज नंबर्स को अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, या किस तरीके से आप अपने हेडर्स और फुटर्स में अप्लाई कर सकते हो इमेजेस को। तो आइए देखते हैं हम इस वीडियो में। आप लोग अर्न करना चाहते हो और लर्न करना चाहते हो ऑनलाइन, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बराबर में जो बेल आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लो, ताकि आप हमारे हर आने वाले वीडियोस को देख सको। सो गाइस, सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं हेडर्स को। तो आप सिंपली इंसर्ट टैब पे जा रहे हैं। टैब पे जाने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हेडर्स और फुटर के हिस्से में हमारे पास, हेडर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ कस्टम हेडर्स भी बने बनाए आ रहे हैं और यहाँ से आप एडिट भी हेडर कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट टैब पे जाके हेडर्स में से ये वाला एक कस्टम हेडर ले लेता हूँ, ये वाला मैं ले रहा हूँ और इसमें मैं अपने चैनल का नेम लिख देता हूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन अब इस हेडर को थोड़ा सा एडजस्ट भी कर दूं मैं, तो ये मैंने एडजस्ट कर दिया अपने हेडर को। तो अब जब आपने इस तरीके से एडजस्ट कर देना हेडर, तो यहां से क्लोज वाले हेडर एंड फुटर पे क्लिक करना है। तो यहां से देखिए, ये हमारे पास हेडर सेट हो गया। अब मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ इंसर्ट टैब पे और यहाँ पे एक ब्लैंक पेज दूसरा पेज लेता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास ये दूसरे पेज में भी ऑटोमेटिकली हेडर आ गया है। इसी तरीके से अगर मैं कोई तीसरा पेज लेता हूँ तो उसमें भी अब ये हेडर सब पेजेस में शो होगा जिन डॉक्यूमेंट्स में मैं काम करूंगा, ठीक है। तो अब दूसरा ये है कि आप कस्टमली इसे लिख सकते हैं, वो किस तरीके से कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब हम चले जाते हैं फुटर्स के ऊपर, जो हमारा सेकेंड टॉपिक है, हाउ टू अप्लाई फुटर्स इन एमएस वर्ड। तो फुटर्स पे सिंपली आपने आना है इंसर्ट टैब पे आके, आपने देखना है यहाँ पे आपको काफी सारे कस्टम मेड फुटर्स भी मिल जाएंगे और यहाँ से आप एडिट फुटर कर सकते हैं। तो मैं एडिट करके दिखाता हूँ फुटर को, क्योंकि हेडर में हमने एक कस्टम मेड हेडर लिया था। यहाँ पे चैनल का मैं नेम लिख देता हूँ। और इसको सेंटर कर देता हूँ मैं, अब क्लोज कर देता हूँ मैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हर पेज पे मेरे पास हेडर और फुटर अप्लाई हो रहा है। तो इसके बाद जो है हमारे पास आता है हमारा थर्ड टॉपिक, हाउ टू अप्लाई पेज नंबर्स इन एमएस वर्ड। तो वो भी बहुत ही आसान है, तो मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं हटाता हूँ हमारे पास से इसको हेडर में से और इंसर्ट टैब पे जाता हूँ। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद पेज नंबर्स पे जा रहा हूँ मैं। पेज नंबर्स में यहाँ देखें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन्स। आपको किस तरह नंबर को अलाइन करना है, तो वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कस्टम बने हुए कि किस तरह आपके पास आएगा। मैं चाह रहा हूँ मेरे पास बॉटम में पेज के आखिर में नीचे आए पेज नंबर्स, तो इस तरीके से कुछ आ जाए। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास पेज नंबर आ रहा है यहाँ पे, पेज नंबर वन, और मैं और नीचे चल जाऊं तो पेज नंबर टू। इसी तरीके से नंबर ऑफ पेजेस मेरे पास ये शो कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा ये है कि मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे जो मैंने नेम लिखा है यहाँ पे मेरी कंपनी का लोगो आ जाए, जिस तरीके से हमारे पास एक लेटर हेड बनता है, तो मैं उस तरीके से कुछ बनाना चाह रहा हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इमेज या लोगो अप्लाई करें इसी हेडर की जगह अपनी कंपनी का, तो वो किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप सिंपली इस पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं हेडर पे इसको एडिट करने के लिए, या इंसर्ट टैब पे जाएं, फुटर पे क्लिक करें, एडिट हेडर पे, तो आप इसको एडिट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो सिंपली डबल क्लिक करें और आप एडिट कर पाएंगे हेडर को। और जैसे ही आप इस एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डिजाइन टैब खुल जाता है। अब यहाँ से आप फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो हेडर को, यहाँ से मैं हेडर ले लेता हूँ और रिमूव कर देता हूँ हेडर को। और यहाँ पे मेरे पास दो तरीके के ऑप्शन है, आप देख रहे हैं, और पिक्चर्स का और ऑनलाइन पिक्चर्स का। पिक्चर्स में अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास अगर पीसी में जहाँ पे मेरा लोगो या इमेज है, मैं वहां से अपनी लोगो या इमेज ले सकता हूँ। मेरे पास अभी पीसी में मौजूद नहीं है, तो मैं ऑनलाइन पिक्चर्स में जाऊंगा और यहाँ पे लोगो सर्च करूंगा। तो मैं रैंडम लोगो कोई सा भी ले ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको इंसर्ट करवा देता हूँ अपने पास, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा साइज एडजस्ट कर देता हूँ मैं, और ये मेरे पास देखिए फ्रीली मूव नहीं हो रहा। तो मैंने इंसर्ट पिक्चर की एक वीडियो बनाई भी है पहले से, जिसमें फ्रीली मूव करना और काफी सारी चीजें मैंने बताया कि किस तरीके से आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं इमेजेस को वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो वो यहाँ पे आ रहा होगा आई बटन में, आप जाके लाजमी देखें ताकि आप इमेजेस को अच्छे तरीके से यूज कर पाए अपने एमएस वर्ड में।
तो ये हमारे पास सेट हो गया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा कंपनी का लोगो आ गया है और ये हमारे पास पेज नंबर आ रहे हैं, ये कंपनी का लोगो और पेज नंबर्स। हम इसको जरा जूम आउट करके देख रहे हैं तो ये देख सकते हैं कि हर जगह हमारे पास कंपनी का लोगो और पेज नंबर्स आना स्टार्ट हो गया, जिस तरीके से हमारे पास लेटर हेड में आता है, ठीक है। इसी तरीके से आप चीजें अप्लाई कर सकते हैं, हेडर्स में और फुटर्स में एडिट कर सकते हैं। तो किस तरीके की लगी वीडियो लाजमी हमें कमेंट करके बताइएगा और लाइक करिएगा इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को ताकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देखते रहें और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो से फायदा हासिल कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।